गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, देखिए जो डीएनए होता है, एक्चुअली डीएनए को रेप्लिकेशन की जरूरत क्या होती है, तो वास्तव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है, दिस इज ए सेल, सपोज दैट कि ये ह्यूमन बॉडी की सेल है। तो ह्यूमन बॉडी में हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी की सेल है, इसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सपोज दैट दिस इज द डीएनए। अब यह डीएनए जो है, यह कोशिका सेल जब डिवाइड करेगी तो ऑब्वियसली दिस इज द मदर सेल, मदर सेल, और हम कह सकते हैं दिस इज द पेरेंट सेल। जब यह सेल डिवाइड करेगी तो ऑब्वियसली ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएगी, सपोज दैट दिस इज द टू डॉटर सेल। तो निश्चित रूप से अगर माइटोसिस हो रही है, मान लीजिए, या तो इसमें दो डॉटर सेल में दोनों में ही इस तरीके से एक एक डीएनए और होना चाहिए, यानी कि इस सेल में भी एक डीएनए होना चाहिए और इस सेल में भी एक डीएनए होना चाहिए। सेल डिवीजन के बाद दो डॉटर सेल बनेंगी और इस एक सेल में, या हम कहें कि इस एक सेल में, ये एक फॉर एग्जाम्पल दिस, ये डीएनए के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया, अदरवाइज हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर एक 46 क्रोमोसोम वाली एक सेल डिवाइड करेगी, सबको तड़ा कर 46 क्रोमोसोम वाली डिवाइड करेगी, इसमें भी 46 होना चाहिए, इसमें भी 46 होना चाहिए क्रोमोसोम्स। तो उसी तरीके से क्रोमोसोम भी किससे मिलके बने हुए हैं, डीएनए से। तो निश्चित रूप से जब एक सेल डिवाइड करेगी तो उसको अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना जरूरी होगा, क्योंकि वह उसको दो डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड करने वाली। तो इस कारण से डीएनए का रेप्लिकेशन होना, डीएनए की फोटोकॉपी बनना, डीएनए की रेप्लिका का बनना कंपलसरी होता है। तो इसी कारण जब सेल डिवाइड होती है तो उसे अपने डीएनए को दो डॉटर सेल में देना रहता है। इस कारण से सेल डिवीजन के समय, जब हम जानते हैं कि जब सेल डिवाइड करती है, व्हेन देयर इज द सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के समय दो स्टेज एक्चुअली होती है। एक पहली स्टेज क्या होती है, इंटरफेज, और जो दूसरी स्टेज होती है दैट इज एम फेज। इस इंटरफेज में क्या होता है कि जब सेल तैयारी कर रही थी, G1, S एंड G2, ये तीन फेज होती है इंटरफेज के दौरान, ये तीन फेज होती है। इस S फेज के दौरान क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द S फेज ऑफ द इंटरफेज। तो इसी कारण से डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है, बिकॉज उसके बिना सेल डिवीजन नहीं हो सकता है, दो डॉटर सेल नहीं बन सकती। तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के समय एस फेज में होता है, दिस इज द नंबर वन। दूसरी चीज कि जब देखे कि जब सेल डिवीजन क्यों, सॉरी, डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों होता है और कब होता है, दूसरी चीज कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, दैट वी विल डिस्कस। एक्चुअली देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था, कि डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये किसने दिया था, दिस डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय द वॉटसन एंड क्रिक। इस डबल हेलिक्स मॉडल को डीएनए को किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। जब वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, उसी समय उसके ठीक तुरंत बाद, इमीडिएटली ही प्रपोज्ड ए स्कीम फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसी समय उन्होंने डीएनए के रेप्लिकेशन की एक स्कीम सजेस्ट की, कि डीएनए का रेप्लिकेशन इसी तरीके से होना चाहिए। और जो वो मेथड उन्होंने समझाई, दैट मेथड वाज व्हाट, कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन, उन्होंने कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से, सेमी कंजर्वेटिव।
उन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो कैसे होगा, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम समझते हैं आखिर में डीएनए का रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। तो देखिए सेमी का मतलब क्या होता है, इस सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, और कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मींस व्हाट, कि प्रिजर्व कर लेना, आधे को बचा लेना, संरक्षित कर लेना, प्रिजर्व कर लेना, हाफ को प्रिजर्व और हाफ को प्रिजर्व कर लेना और हाफ को क्या कर लेना, कंजर्व कर लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटसन और क्रिक के अनुसार सपोज दैट कि इफ दिस इज द डीएनए, अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो कैसे होगा, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि डीएनए की ये दोनों धागे क्या होंगे, खुल जाएंगे, लाइक दैट, ये डीएनए के धागे खुल गए, सेपरेट हो गए एक दूसरे से। और एक चीज और यहां पे याद रखनी है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होने का मतलब क्या, वंस अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब डीएनए क्या करता है, डीएनए के ये सेंट्रल डोगमा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सभी लोग जानते हैं, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसी को काम को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, उस मेथड उसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। और डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तब उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बन जाती है तो दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसलेशन, दिस इज द ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है डीएनए के दोनों धागे खुलते हैं, हालांकि अभी ये हम नहीं कह सकते कि रेप्लिकेशन के समय जितना डीएनए है पूरा का पूरा धागा खुल जाता है फिर उसका रेप्लिकेशन होता, ऐसा कभी नहीं होता। डीएनए के धागे को पूरा धागा खुलने के लिए ऐसा कभी नहीं होता कि डीएनए का पूरा धागा खुल जाए फिर उसका रेप्लिकेशन हो, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, दैट नीड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी कारण डीएनए के धागे का पूरे के पूरे धागा एक साथ नहीं खुलता, थोड़े थोड़े धागे धागे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खुलता है फिर उसका रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि डीएनए का धागा, मान लीजिए कि दो धागे हैं, दोनों धागे खुले, अगर डीएनए के इतने धागे का रेप्लिकेशन एक बार होना है तो डीएनए के दोनों धागे खुल गए और ये दोनों ही धागे क्या काम करेंगे, दे विल फंक्शन एज ए टेम्पलेट, टेम्पलेट, ये भी टेम्पलेट का काम करेगा, डीएनए के दोनों ही धागे टेम्पलेट का काम करेंगे। याद रहे, ध्यान से समझे रहिएगा कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए के धागे से डीएनए बनता है तो उस समय डीएनए के दोनों ही धागे टेम्पलेट का काम करते हैं, सांचे का काम करते हैं। लेकिन जब डीएनए के धागे से मैसेंजर आरएनए बनता है तो उस समय एट दैट टाइम ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज गोइंग टू फंक्शन एज ए टेम्पलेट। उस समय डीएनए का एक ही धागा टेम्पलेट का काम करता है, डीएनए के दोनों धागे उस समय टेम्पलेट का काम नहीं करते। तो हम इस चीज को कहां देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में। लेकिन अभी क्या समझे रहना कि डीएनए के रेप्लिकेशन के समय डीएनए के दोनों ही धागे टेम्पलेट का काम करते हैं। अब डीएनए के दोनों धागे टेम्पलेट का काम क्या है, उन्होंने कहा, वाटसन और क्रिक ने कहा कि जब अब दोनों धागे टेम्पलेट का काम करेंगे और इस पर जो है एक नए धागे, ये टेम्पलेट का जो काम कर रहा है ये धागा कैसा है, ओल्ड स्ट्रैंड, दिस इज द ओल्ड स्ट्रैंड, ये पुराना स्ट्रैंड है डीएनए का, यही ये एक धागा ये है और एक धागा ये है, दोनों पुराने धागे हैं। अब इस ओल्ड, दोनों ही ओल्ड स्ट्रैंड है और दोनों ही क्या काम कर रहे हैं कि बोथ आर फंक्शनिंग एज ए टेम्पलेट, सांचे का काम करते हैं, ठीक है। जैसे गुजिया बनाते समय होली में हम क्या करते हैं, एक सांचा रहता है उसे हम डाल करके गुजक दबा देते हैं, बन जाती है, जस्ट लाइक दैट हियर बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर फंक्शनिंग एज ए टेम्पलेट, सांचे का काम करेंगे, इसी पर एक नए धागे की सिंथेसिस होने जा रही है। तो ये पुराना धागा है और इस पे एक नया धागा बना, सपोज इस पे अब एक नया धागा बन जाएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से इस एक पुराने डीएनए के धागे से दो नए धागे बन गए जिसमें से एक पुराना धागा है और ये कैसा है, दिस इज द न्यू स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, दिस इज आल्सो व्हाट, न्यू स्ट्रैंड,
तो इसी कारण उन्होंने कहा कि जब डीएनए के धागे की सिंथेसिस होगी, एक धागा तब उसमें पुराना रहता है जो सांचे का काम करता है, और उसी सांचे पर डीएनए के दूसरे उसके कॉम्प्लीमेंट्री धागे की सिंथेसिस हो जाएगी। यहां पर एक चीज और आपको याद रखना है कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तब भी, डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तब भी, वह एक रूल जो दोनों ही प्रोसेस को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ द स्ट्रैंड। डीएनए का एक धागा एक स्ट्रैंड दूसरे धागे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। याद रहे, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता, ठीक। तो अब इसी कारण डीएनए को, डीएनए के रेप्लिकेशन को उन्होंने क्या कहा, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी कंजर्वेटिव, क्योंकि एक धागा पुराना है, डीएनए ने रेप्लिकेशन किया जरूर लेकिन अपने एक पुराने धागे को कंजर्व किया, हाफ स्ट्रैंड को कंजर्व किया, हाफ नया बना लिया, दैट्स व्हाई रेप्लिकेशन डीएनए का जो होता है वह कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, कौन सी, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड मशीनरी एंड एंजाइम। एनसीईआरटी ने क्या दे रखा हुआ है, मशीनरी एंड एंजाइम ऑफ द रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। देखिए पहली चीज, डीएनए के रेप्लिकेशन में हम क्या देखते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन को हम आते हैं कि मशीनरी मशीनरी एंड एंजाइम्स, या हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। तो एक्चुअली देखिए कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसके लिए जो सबसे पहली जरूरत है वो क्या है कि एंजाइम। इस रेप्लिकेशन में कई एंजाइम चाहिए, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो क्या है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दिस इज द एंजाइम, ये पहला एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये पहला एंजाइम है। देखिए जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यह डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, सबसे मेन एंजाइम है, सबसे प्रमुख एंजाइम है। इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए ब्रीफली क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, देखिए इसका नाम क्या रखा गया है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यह डीएनए है, दिस इज द डीएनए, और इस धागे का रेप्लिकेशन होना है, और ये दोनों धागे मान लीजिए कि खुल गए, इसका इतने धागे का रेप्लिकेशन अगर होने जा रहा है तो निश्चित रूप से ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह न्यूक्लियस के अंदर होता जरूर है, लेकिन यह तब तक डीएनए के धागे का रेप्लिक डीएनए के, देखिए हम कहते हैं कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, डीएनए यहां पे है, ठीक है, इसमें ये एंजाइम है और ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड भी न्यूक्लियस के अंदर है। यह एंजाइम डीएनए का पॉलीमराइजेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके डीएनए के धागे को बनाना ही क्या है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि उसको डीएनए का टेम्पलेट ना मिले।
यानी कि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी किस पर निर्भर है? डीएनए के धागे के टेम्पलेट पर, सांचे पर निर्भर है। जब तक सांचा नहीं मिलेगा तब तक डीएनए डिपेंडेंट ये पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के धागे का, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्यों? क्योंकि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, उनको जोड़ करके पॉलीमराइजेशन तब तक नहीं करेगा यह एंजाइम जब तक कि वो डीएनए का सांचा ना हो, डीएनए का टेम्पलेट ना, डीएनए पर निर्भर है इसकी प्रक्रिया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखिए अब ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की दो विशेषताएं आप याद रखिएगा कि दिस एंजाइम इज हाईली इफिशियंट, यह एंजाइम कैसा है? हाईली इफिशियंट है। यानी कि हाईली इफिशियंट कहने का मतलब क्या कि यह एंजाइम एक सेकेंड में, इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में कितने बेस पेयर की रिप्लिकेशन करता है? 2000 बेस पेयर। एक सेकेंड में यह एंजाइम 2000 बेस पेयर का रिप्लिकेशन कर सकता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और दूसरी चीज की जो इकोलाई बैक्टीरिया है, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इकोलाई बैक्टीरिया में 4.6×10^6 बेस पेयर इकोलाई में होते हैं। इस पूरे इकोलाई के जीनोम का रेप्लिकेशन, इस इकोलाई के जीनोम का रेप्लिकेशन ये एंजाइम कितने समय में कर सकता है? ओनली इन 38 मिनट्स, ओनली इन 38 मिनट्स। ह्यूज अमाउंट ऑफ बेस पेयर्स आर पॉलीमराइज्ड, ह्यूज अमाउंट ऑफ बेस पेयर्स आर पॉलीमराइज्ड विद इन 38 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एंजाइम, इसीलिए कहा गया है कि दिस एंजाइम इज हाईली इफिशियंट। दूसरी चीज कि दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि दूसरी विशेषता है इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि ये जो एंजाइम है, यह एंजाइम जब इतने ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड का रेप्लिकेशन करता है तब उस समय यह बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अपना काम करता है। क्योंकि अगर डीएनए के रेप्लिकेशन में जरा सी मिस्टेक हो जाए, अगर एक बेस पेयर, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा ही हुआ है कि एयूजी की जगह पे जीयूजी क्या हो गया, तो सिकल सेल एनीमिया हो जाती है बीमारी एक बेस पेयर की गड़बड़ी के कारण। तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि अगर जरा सी मिस्टेक हुई ना, कि ए माइन्यूट मिस्टेक, एक छोटी सी गलती, माइन्यूट मिस्टेक कैन रिजल्ट द म्यूटेशन, एक छोटी सी गलती से क्या हो सकता है? म्यूटेशन, एक छोटी सी गलती से क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है। इसी कारण से यह एंजाइम जब रेप्लिकेशन करता है तो उस समय विथ ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जरा सी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो म्यूटेशन हुआ। एंड इफ द म्यूटेशन आर गोइंग टू टेक प्लेस, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैंसर पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली क्यों होता है, समटाइम्स इट अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन। तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि यह एंजाइम की विशेषता है कि यह जो एंजाइम है वह बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करता है, बहुत ही तेज गति से काम करता है, 200 बेस पेयर पर सेकंड। तो दिस इज द मशीनरी एंड एंजाइम। तो यह एंजाइम डीएनए के रेप्लिकेशन में कई बार सीबीएसई बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी ये सवाल आया हुआ है कि डीएनए के रेप्लिकेशन के समय वो कौन से 5 प्रमुख एंजाइम होते हैं जो डीएनए के रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एंजाइम। हम जब पूरी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को डिस्कस कर लेंगे सारे एंजाइम आ जाएंगे, एंड एट लास्ट आई विल राइट द नेम ऑफ ऑल दोज 5 एंजाइम्स और उसके फंक्शन भी मैं लिख दूंगा। लेकिन अभी ये पहला एंजाइम है और इसके बाद हम देखते हैं कि रिप्लिकेशन के लिए, रिप्लिकेशन जब शुरू होगा तो उसमें कौन कितने स्टेप्स आते हैं और उसमें क्या होता है। देखिए
तो रेप्लिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओरी, ओ आर आई, ओरी। ओरी का मतलब क्या होता है कि ओरी मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि जब डीएनए का धागे का रेप्लिकेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि ये डीएनए का, सपोज दैट दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और इसका रेप्लिकेशन होने जा रहा है कहीं से भी, यहां से या कहीं से भी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन डीएनए के धागे पे एक स्पेसिफिक रीजन पे शुरू होता है, दैट स्पेसिफिक रीजन इज नोन एज व्हाट, ओरी। उसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, दैट इज नोन एज व्हाट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और वह जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है वो जनरली मोस्टली ए टी रिच होती है, यानी कि वहां पर ए और टी, हम जानते हैं ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ए टी रिच होता है। और ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनको सेपरेट होना कहीं ज्यादा आसान रहता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ए टी रिच होते हैं, लगभग 245 बेस पेयर की बनी होती है ये ओरी। और ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है उस जगह पे डीएनए के धागे, क्या है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर से समझ लीजिए कि डीएनए के धागे का वह हिस्सा, वह रीजन जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो डीएनए के धागे में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना जरूरी है, वहीं से डीएनए के धागे की रेप्लिकेशन होगा। और यही कारण है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान, जब हम आप इसको बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान, मान लीजिए कि यह डीएनए का एक छोटा सा धागा है और इस छोटे से धागे को हम किसी होस्ट सेल में डाल करके इसकी मिलियंस आप कॉपी बनाना चाह रहे हैं, यानी जीन क्लोनिंग करना चाह रहे हैं, या इस धागे की हम ढेर सारी कॉपी बनाना चाह रहे हैं, एक डिजायर डीएनए की, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस में हम इस डिजायर डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपी सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं, प्रोपागेशन करना चाह रहे हैं डीएनए के धागे की, तो निश्चित रूप से हमें किसकी जरूरत होती है, वी नीड ए वेक्टर। एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है ये लाइन कि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान हम किसी डिजायर डीएनए के धागे की रेप्लिका बनाना चाह रहे हैं, उसका प्रोपागेशन करना चाह रहे हैं, तो हमें एक वेक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि वह वेक्टर क्या होता है, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि वह वेक्टर का काम कौन करता है, प्लाज्मिड, मोस्टली द प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल, दैट इज नोन एज व्हाट, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज का डीएनए। तो निश्चित रूप से ये वेक्टर की जरूरत, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान वेक्टर की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि वह वेक्टर हमें ओरी प्रोवाइड करता है, तभी जाकर के उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी सिंथेसाइज की जा सकती हैं। तो निश्चित रूप से इसी कारण से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान हमें ओरी की जरूरत होती है, सॉरी वेक्टर की जरूरत होती है। तो ओरी क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान हमें वेक्टर की जरूरत क्यों होती है। दूसरी चीज कि अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है या ओरी, अगर प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ओरी कितनी होती है, ओरी इज वन, ओनली वन, ओरी एक ही होती है, लेकिन यूकैरियोट के केस में जो ओरी होती है वो कितनी होती है, सेवरल थाउजेंड, कई हजार, जो ओरी होती है वो एक नहीं होती है, कई हजारों ओरी होती है, यानी रेप्लिकेशन कई जगह से शुरू हो सकता है। तो देखिए कि ये तो हो गया कि ओरी की बात, कि रेप्लिकेशन में सबसे जरूरत, सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस किसकी है, सबसे ज्यादा पहली जरूरत किसकी है, ओरी की। तो डीएनए के रेप्लिकेशन की हमें किसकी जरूरत, रेप्लिकेशन के समय हमें किसकी जरूरत होती है, ओरी की। इसके बाद देखिए कि ओरी के बाद हम किस पे देखेंगे कि द सबस्ट्रेट ऑफ द रेप्लिकेशन, नेक्स्ट इज व्हाट, द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए का जब रेप्लिकेशन होने जा रहा है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए का धागा है, डीएनए का धागा खुल गया और
इस पे रेप्लिकेशन होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस पर भी रेप्लिकेशन होने वाला है, इस पर भी रेप्लिकेशन होने वाला है। तो जो है कि हम सबस्ट्रेट की जरूरत है, यानी कि डीएनए का ये धागा टेम्पलेट है, ठीक है, ये भी धागा क्या है, टेम्पलेट का काम कर रहा है, और इस टेम्पलेट पर अब इसकी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री धागे की सेंसिस होने वाली है, तो निश्चित रूप से हमें सबस्ट्रेट होना चाहिए ना, यानी कि एंजाइम किसको जोड़ जोड़ करके इसका फोटो रेप्लिका बनाएगा, इसका कम्प्लीमेंट्री धागा किसको जोड़ के बनाने जा रहा है, तो निश्चित रूप से चूंकि डीएनए की ही रेप्लिका बनने जा रही है, डीएनए का रेप्लिकेशन होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमें किसकी जरूरत होती है कि जो सबस्ट्रेट होगा उसी को क्या करें, सबस्ट्रेट किसको जोड़ करके डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के धागे को बनाने जा रहा है, दैट इज द सबस्ट्रेट। और वो सबस्ट्रेट क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये क्या करेगा, दिस विल फंक्शन एज ए सब्स्टिट्यूट, ये सब। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड कौन कौन से होते हैं, जैसे हम कहेंगे डी ए टी पी, डी जी टी पी, डी सी टी पी एंड डी टी टी पी, ये चार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हैं जो किसका काम करेंगे, सबस्ट्रेट का काम करेंगे, यानी इन्हीं को जोड़ जोड़ करके यहां पर इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री धागा बनाया जाने वाला है। निश्चित रूप से ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हैं, एनसीईआरटी मेंशन करती है कि इसका ड्यूअल पर्पस होता है। ड्यूअल पर्पस, ड्यूअल पर्पस का मतलब क्या, एक तो ये सबस्ट्रेट का काम करेगा, दे विल फंक्शन एज ए सबस्ट्रेट, एक ये सबस्ट्रेट का काम करेंगे, एंड सेकेंड दे विल प्रोवाइड द एनर्जी। ये जो दो इसके ट्राइफॉस्फेट है ना, एक्चुअली जो ट्राइफॉस्फेट में इसके जो दो टर्मिनल फॉस्फेट है, टू टर्मिनल फॉस्फेट, दो टर्मिनल फॉस्फेट क्या काम करते हैं, दो टर्मिनल फॉस्फेट इज हाई एनर्जी फॉस्फेट, क्या होते हैं, हाई एनर्जी फास्फेट होते हैं, दे प्रोवाइड द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। जैसे देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में दो टर्मिनल फास्फेट क्या होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, वो किसी भी कार्य के लिए हमारी बॉडी के लिए एनर्जी देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर टू टर्मिनल फास्फेट प्रोवाइड द एनर्जी, डीएनए का रेप्लिकेशन एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसी कारण से डीएनए के रेप्लिकेशन में ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो डुअल पर्पज काम होता है उसका, वो एनर्जी भी सबस्ट्रेट का भी काम करता है और वह एनर्जी भी देने का काम करता है। तो देखिए कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन का ये हम लोगों ने आज क्या देखा कि डीएनए के रेप्लिकेशन का फर्स्ट पार्ट देखा, इसके अगले पार्ट में डीएनए के रेप्लिकेशन का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें इसके बचे हुए पार्ट को हम देखेंगे। आपको अगर इसमें चीजें समझ में आई हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिए, तभी आपको रेप्लिकेशन की पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी। धन्यवाद।